मन में अगर यदि आपने ठान लिया कि हमको ये करना है, मन में हमने ठान लिया कि हमको ये करना है चाहे दुनिया अलट पलट क्यों ना हो जाए, तो फिर कितनी भी बाधाएं आपके रास्ते में आएंगी, आप उन सभी बाधाओं को लांघते हुए चले जाएंगे और एक दिन सफल होकर के दिखाएंगे। तब लोग कहेंगे हाँ इसमें था दम, ये कर सकता था। तो यहाँ पर है कि आप लोगों को बताइए कि कंपनी में ज्वाइनिंग चालू हो गया है, हो सकता है ये कंपनी जो है सेकेंडरी फाउंडर बना रही हो, सेकेंडरी फाउंडर बन रहा हो या फिर रिसेलर बन रहा हो, कस्टमर बन रहा हो, तो आप अपना आईडी लगा लीजिए। अरे हमारे मान लीजिए हमारे रेफरल लिंक से आप ज्वाइन नहीं हुए तो क्या हुआ, डायरेक्ट कंपनी में ज्वाइन हो रहे हैं, कंपनी वहां ट्रैफिक जनरेट कर रही है और वही जितने 1 करोड़ अगर दे यूजर आएंगे तो उसी में से सब 50-50 हम सभी लोगों को दे दिया जाए। तो वहां पर कहीं ना कहीं कहता है कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता। आज से 2-3 2.5 साल पहले मैंने मेहनत किया, जमकर मेहनत किया ओन पैसिव में, लोगों को समझाया भैया ओन पैसिव एक ऐसी कंपनी है ना जिसमें यदि आप ज्वाइन करेंगे तो इसका प्रोडक्ट यूज करने को मिलेगा और उससे आपको अच्छा खासा इनकम आएगा, इसका प्रोडक्ट ये है ये है ये है, यहाँ तक कि 45 मिनट आधा घंटा 1-1 घंटा लोगों को समझाया और ना तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया ना तो ज्वाइन किया। फिर और भी लोगों को समझाया तो कुछ लोग रजिस्ट्रेशन किए और फिर चल दिए, मेरा गेला घोर जन्नत नहोर, एक कहावत है देहात में, फिर वो रजिस्ट्रेशन करके चले गए इधर से उधर, ज्वाइन नहीं किए। हम बोले कोई बात नहीं, जाने दो, बेकार हो गया हमारा मेहनत, लेकिन मैं प्रयास नहीं छोड़ूंगा। फिर प्रयास में लगा रहा और 200-250 महीने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, उसमें से 67 लोग हमारे साथ जुड़े। अब देखिए जब कंपनी ने ज्वाइनिंग बंद कर दिया, ज्वाइनिंग बंद हो गई 100% फाउंडर्स की, तो जो पहले रजिस्ट्रेशन कराए थे हम, उसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर ट्रांसफर के माध्यम से 213 डायरेक्ट हो चुके। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं बता रहा हूं मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता। आप मेहनत कीजिए, लोगों को बताइए समझाइए कि भाई अभी पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में आपका आईडी बन रहा है, ओमेल अकाउंट फ्री में आप उसको यूज कर पाएंगे, फ्री में ओनेट पे आईडी बन रहा है, फ्री में आप ओनेट यूज कर पाएंगे, आप इसको यूज करके देखिए क्या हर्ज है, क्या समस्या है आपको इसमें। एक बात की तो गारंटी है कि हमारा डाटा सुरक्षित है, 100% सिक्योर्ड अकाउंट। तो आप इसको फ्री में जब बंदा आलतू फालतू जगह पे प्ले स्टोर से डाटा डाउनलोड कर लेते हैं, जब वहां पैसा मांगने लगता है तब आप बोलते हैं अरे यार ये तो पैसा मांग रहा है, चलो अब वापस लौट जाते हैं, अब इसको डिलीट मार देते हैं, यहाँ पर तो पैसा भी नहीं लग रहा है, फ्री में यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। तो जो आपके दोस्त हैं जो वंचित रह गए फाउंडर बनने से, उनको ले आइए, उनको बता दीजिए कि भाई फाउंडर तो अब नहीं बन पाओगे लेकिन फिर एक मौका दे रही है कंपनी, शायद हो सकता है सेकेंडरी फाउंडर का हो और नहीं तो ये रीसेलर का हो, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंपनी जो है जो सब कुछ है ना प्राइवेसी वो छुपा करके रखती है, वो इसलिए कि मार्केट में कॉपी करने वाले लोग बैठे हुए हैं और तुरंत कॉपी कर लेते हैं। ओमेल का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ओमेल का कॉपी हो गया और जब वहां पर नया अकाउंट बनाने चालू किया आदमी तो उससे कह रहा 200 रुपया पेड करो। तो अब समझ लीजिए इसी कारण से कंपनी प्राइवेसी रख रही है और खुल करके हम सभी लोगों को नहीं बता रही है कि ये क्या हो रहा है या क्या करने जा रही है, ये क्या करेगी आगे चल करके। जो बात को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है, इस बात को हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, यदि हम लोग ऐसी बात को समझते तो हम लोग ऐसा करते ही नहीं, हम लोग मतलब मेहनत करते। तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि हम लोग का ओटीपी भी आ रहा है लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है, ओमेल अकाउंट में हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको एक व्हाट्सएप पे दिखाते हैं, चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं अपना और व्हाट्सएप पे आपको दिखाएंगे ओमेल का कॉपी हुआ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसको भी मैं दिखाता हूँ।
एक श्रवण कुमार नाम के हैं, हालांकि इनकी मम्मी बीमार है, चलिए जल्दी भगवान से दुआ करते हैं ठीक हो जाए। यहाँ पर देखिए ओ मेल आपको दिखाई दे रहा है आप सभी को, कृपया कंफर्म करें। जी जी सर, सुनाई पड़ रहा है, दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जो है ओमेल है, इन्होंने यहाँ पर कहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड किया कि वेबसाइट से निकाला, क्या किया पता नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ कर अपग्रेड माय अकाउंट, 200 रुपया पेड करिए तब आपका अकाउंट अपग्रेड होगा। तो ये सब क्या है, तुरंत कॉपी कर देते हैं और सोचते हैं अभी नया नया है, सभी को उतना जानकारी नहीं है। हमारे भारत में कई लोग ऐसे हैं जिनको कीपैड मोबाइल तक अभी चलाने नहीं आता है और वो ऑन पैसे में आईडी लगा के बैठे हुए हैं। कई लोग सिर्फ व्हाट्सएप चलाना जानते हैं और ऑन पैसे में आईडी लगा के बैठे हैं। कई लोग सिर्फ ऐसे यूट्यूब चलाना जानते हैं, छेड़छाड़ करना थोड़ा बहुत जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। तो वो सोचते हैं कि ऐसे लोगों को हम उल्लू बना करके ठग लेंगे। यहाँ खुद आप देख सकते हैं कि लोग सोचते हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर प्राइवेसी रखा जा रहा है और 100% प्राइवेट रखने का कोशिश किया जा रहा है कि नहीं यहाँ पर हम प्राइवेट रखेंगे और ताकि हमारा जो डाटा है वो सुरक्षित रहेगा इसी कारण से, और खुल करके नहीं बताया जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। नहीं तो जो करने वाले हैं वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीज पर आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर आप लोगों को जो आपके दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, जिनको आप दिल से दोस्त मानते हैं, जिनके लिए दिल में थोड़ी सी सम्मान हो, स्वार्थीपना यहाँ मत कीजिए कि हमारे नीचे ज्वाइन नहीं हो रहा है तो मैं उसको क्यों बताऊं। आप उसको हेल्प कर दीजिए, बता दीजिए भाई फ्री में यहाँ ओमेल पर अकाउंट बन रहा है, ओ नेट में फ्री से अकाउंट बन रहा है, आप बना लो, उसमें ओ प्ले नामक एक मिलेगा गेम, उसको खेलिए, क्रेडिट्स बनेगा, वो आपको आगे चल करके बहुत बड़ा काम देगा। एक क्रेडिट हो सकता है $1 के बराबर हो सकता है। तो अब इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि छोटे मोटे जितने सारे कंपनी हैं उन सभी के कस्टमर यहाँ आ गए हैं, फाउंडर बन गए हैं। आप देखें कि इसमें इनकम नहीं आ रहा फिर भी इंटरेस्ट ले रहे हैं फाउंडर बन करके, आप कुछ लोग रिसेलर बन करके, कुछ कस्टमर बन करके, सारे इधर उधर के लोग जो नेटवर्किंग वगैरह करते थे तो वही सब लोग ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिवेट रहते हैं, तो वो सब लोग इसमें आ चुके हैं। और वो जो कंपनी लोग है वो हाथ मल रही है भाई, अब क्या होगा, अब उसको बेनिफिट ही नहीं हो रहा है तो कंपनी धीरे धीरे सारा बंद हो रहा है। कई ऐसे कंपनी है हमने आंखों के सामने, मैंने भी खुद लगाया, हमने भी नुकसान सहा, मेरा भी नुकसान हुआ। कई ऐसे कंपनी है जो आंखों के सामने बंद हो रहे हैं, तो उसका क्या कारण है, वो कंपनी बंद नहीं होता, लोग काम करते उधर, लेकिन जब होता है कि हमारे पास एक दुकान है और उसके बगल में एक बड़ा दुकान खुल चुका है और उसमें सारा सामान उपलब्ध है और हमसे मतलब जो प्राइस है उसमें अफोर्डेबल प्राइस है या हमारे बराबरी का प्राइस है, लेकिन उसका सामान का क्वालिटी बढ़िया है, तो लोग उसी में जाएंगे, लोग उसी में जाएंगे। आप देखते होंगे कि हमारे जब आप रोड में जाते हैं इधर उधर तो देखते हैं गुपचुप वाले, चाट वाले, छोले वाले रहते हैं, वो ना तो हाथ में हैंड ग्लव्स पहनेंगे ना दस्ताना पहनेंगे, ऐसे हाथ का मैल से जो है वो करते हैं, सब मैल उल सब जाता है चोखा में और गुपचुप खिलाते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं, जो स्वास्थ्य पर ध्यान देने वाले लोग होते हैं, जो साफ सुथरा लोग होते हैं, वो उसमें गुपचुप खाने के लिए नहीं जाते हैं उस गंदगी में जा रही है, ये क्या करेगी आगे चल करके। जो बात को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है, इस बात को हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। यदि हम लोग ऐसी बात को समझते तो हम लोग ऐसा करते ही नहीं, हम लोग मतलब मेहनत करते। तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि हम लोग का OTP भी आ रहा है लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है, ओमेल अकाउंट में हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको एक व्हाट्सएप पे दिखाते हैं, चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं अपना और व्हाट्सएप पे आपको दिखाएंगे ओमेल का कॉपी हुआ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसको भी मैं दिखाता हूँ। एक श्रवण कुमार नाम के हैं, हालांकि इनकी मम्मी बीमार है, चलिए जल्दी भगवान से दुआ करते हैं ठीक हो जाए। यहाँ पर देखिए ओमेल
आपको दिखाई दे रहा है आप सभी को, कृपया कंफर्म करें। जी जी सर सुनाई पड़ रहा है, दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जो है ओमेल है, इन्होंने यहाँ पर कहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड किया कि वेबसाइट से निकाला, क्या किया पता नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ कर अपग्रेड माई अकाउंट, 200 रुपया पेड करिए तब आपका अकाउंट अपग्रेड होगा। तो ये सब क्या है, तुरंत कॉपी कर देते हैं और सोचते हैं अभी नया नया है, सभी को उतना जानकारी नहीं है। हमारे भारत में कई लोग ऐसे हैं जिनको कीपैड मोबाइल तक अभी चलाने नहीं आता है और वो ऑन पैसिव में आईडी लगा के बैठे हुए हैं। कई लोग सिर्फ व्हाट्सएप चलाना जानते हैं और ऑन पैसिव में आईडी लगा के बैठे हैं। कई लोग सिर्फ ऐसे यूट्यूब चलाना जानते हैं, छेड़छाड़ करना थोड़ा बहुत जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। तो वो सोचते हैं कि ऐसे लोगों को हम उल्लू बना करके ठग लेंगे। यहाँ खुद आप देख सकते हैं कि लोग सोचते हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर प्राइवेसी रखा जा रहा है और 100% प्राइवेट रखने का कोशिश किया जा रहा है कि नहीं यहाँ पर हम प्राइवेट रखेंगे और